ये आकाशवाणी लखनऊ है, आइए सुनते हैं सामयिक चर्चा। सामयिक चर्चा के अंतर्गत प्रस्तुत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में शामिल किए गए विषयों पर आधारित खास पेशकश। वार्ताकार हैं आकाशवाणी संवाददाता तनवीर फातिमा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने के साथ साथ आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम का सिलसिला जारी रखा है। मन की बात कार्यक्रम के 111वें और 112वें संस्करण में उन्होंने कई रोचक और महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात की। इनमें से एक अहम मुद्दा रहा बाघों के संरक्षण का। श्री मोदी ने इस कड़ी में पीलीभीत में संचालित बाघ मित्र कार्यक्रम का जिक्र किया। उन्होंने इस पहल की सराहना भी की। बाघ मित्र कार्यक्रम के तहत मानव और वन्य जीवों के बीच संघर्ष की घटनाओं को रोकने के लिए स्थानीय लोगों को बाघ मित्र के तौर पर काम करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। ये बाघ मित्र इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं कि बाघों और इंसानों के बीच टकराव की स्थिति न बने। अंग्रेजी हुकूमत के दौरान एक मशहूर शिकारी थे जिनका नाम था कुंवर भारत सिंह। इन्होंने 89 आदमखोर बाघों का शिकार किया था, जिसके लिए अंग्रेज अफसरों ने इन्हें कई पुरस्कार भी दिए थे। आज उनके पौत्र अतुल सिंह पीलीभीत टाइगर रिजर्व में बाघ मित्र के रूप में बाघ संरक्षण कर रहे हैं। अतुल सिंह बाघ संरक्षण अभियान से क्यों जुड़े और बाघ मित्र के तौर पर क्या कुछ कर रहे हैं, इस बारे में हमने उनसे बात की। अतुल जी, आप बाघ मित्र अभियान का हिस्सा हैं, जबकि आपके दादाजी बाघों का शिकार किया करते थे। किस प्रेरणा के तहत आपने तय किया कि आपको बाघ संरक्षण करना है? ग्रैंडफादर लेक कुंवर भारत सिंह, जो कि पीलीभीत के नामी ग्रामीण टाइगर हंटर थे, मैंने देखा कि मेरे जंगल में टाइगर दिन पे दिन कम होते जा रहे हैं। जब मैंने उनको समझा, उनको जाना कि ये बहुत ही खूबसूरत जानवर है और बहुत ही सीधा है, तब से मैं इसको बचाने में लग गया। कितने साल हो गए आपको इस परियोजना में शामिल हुए? वैसे तो मैं 2005 से वाइल्ड लाइफ के लिए काम कर रहा हूँ जी। 2018 में WWF के द्वारा एक ग्रुप बनाया गया, जिसका नाम रखा गया बाघ मित्र, तब से हम लोग ग्रुप में जुड़ गए जी। अतुल जी, 2019 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में इस परियोजना को और आगे बढ़ाया गया और ऐसी जानकारी है कि अब तक 120 से अधिक बाघ मित्र बनाए जा चुके हैं। तो बाघ मित्र परियोजना जो है, ये किस तरह से अपने लक्ष्य को हासिल कर रही है? जो एक मानव और बाघों के बीच में जो संघर्ष है, उसको कम करने का काम ये कैसे हासिल कर रही है? वहीं से बाघ मित्र बनाए गए हैं जहाँ पे मानव वन्यजीव संघर्ष बहुत ज्यादा होता है। तो हम लोग का काम है गाँव वालों के पास बैठना, उनको समझाना, उनको फुटप्रिंट की जानकारी देना कि ये टाइगर का है, ये लेपर्ड का है, ये डॉगी का है। उन लोग की सूचना हम लोग के पास आती है कि भैया जी, हमारे खेत में फुटप्रिंट मिले हैं, तो हम लोग तुरंत जाके उसको वेरीफाई करते हैं कि वो फुटप्रिंट किसके हैं। हम लोग के समझ में नहीं आता है तो हम अपने रेंज अधिकारी को फॉरवर्ड कर देते हैं। तत्काल हमारी वन विभाग की टीम आ जाती है जो उसको हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं। अतुल जी, बाघ मित्र बनने के लिए जो वॉलेंटियर के तौर पर लोग काम कर रहे हैं, वो कैसे आगे आए इस काम से जुड़ने के लिए और उन्हें इस काम के लिए कैसे तैयार किया जाता है? क्या किसी तरह का प्रशिक्षण दिया जाता है? जो वन विभाग से लगाव रखता है, वन जीवों से लगाव रखता है, वो बाघ मित्र में अपने आप ही जुड़ता चला जा रहा है और जो जुड़ता है उसे WWF की तरफ से ट्रेनिंग दी जाती है जी। तो क्या लोग खुद अपने आप से आगे आते हैं या उनको जागरूक करने की जरूरत पड़ती है? हम लोग गांव में मीटिंगें करते हैं, चौपाल लगाते हैं, समझाते हैं। उसमें से कुछ यंग लड़के हैं जिनको अच्छा लगता है, वो फिर हम लोग के संग जुड़ते चले जाते हैं। अतुल जी, बाघ मित्रों की मदद से मानव और बाघों के बीच जो संघर्ष की घटनाएं हैं, उनमें कितनी कमी आई है? अभी तक जो रिजल्ट निकल के आया है, 80 से 90% कमी आ चुकी है जी। वर्ष 2019 में CM योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ये परियोजना शुरू की गई। वर्तमान में पीलीभीत में 120 से अधिक बाघ मित्र बनाए जा चुके हैं। ये सभी बाघ मित्र व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से बाघों से संबंधित जानकारी का आदान प्रदान कर वन्य जीवों का संरक्षण कर रहे हैं। मन की बात कार्यक्रम